एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के प्रगति के लिए, प्रोसीजर और देश को एक रखने के लिए सेकुलरिज्म, ये दो चीजें हम आज दोनों अफसोस है कि ये केंद्र सरकार के ढाल में, पाकिस्तान जो केंद्र सरकार जो ढाल में सेकुलरवाद को खतरा है और समाजवाद को नहीं है। समाजवाद जिनके मुंह से निकलता नहीं है, गरीब लोगों के कोई फायदे पासपोर्ट करते नहीं है, जब भी बोलते हैं ये बोलते हैं अडानी अंबानी की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होगा जिसकी बात रिपोर्ट से नहीं है कि ये बचा हुआ था एग्रीकल्चर अभी तक पूंजीवाद इसमें नहीं था, ये पूंजीवाद और मुसार है, पूंजीवाद और मुसार है कृषि के क्षेत्र, ताकि पूंजीवादी हारी रहे पूरे देश की अर्थव्यवस्था में, जैसे तो करता ही सभी सेक्टर में थे ही एक बचा था किसी उसमें भी इनको उठाया जा रहा है आज किया जाए। अभी कहते हैं कि ये किसी किसान लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके फायदे के बारे में, पर किसान आकार किसान वो नहीं है, हर चलाने वाले किसान ही है, ट्रैक्टर चलाने वाले ढाई लाख का ट्रैक्टर चलाने वाले किसान आज है, पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा हो, वो किसान नहीं है, किसान नहीं है, पढ़े लिखे सब है, वो सब जानते हैं कि कानून में क्या लिखा हुआ, अब तक कैसे कानून से उनको हानि हो उसको पता। तो हमारे कांग्रेस पार्टी, हमारे जितने भी सोनिया जी, राहुल जी, जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, सब किसानों को जब अब सभी किसानों के पक्ष में है, किसान आप जो आए हैं बाहर से अपने गाँव में आपसे आए होंगे, आपको चिंता नहीं करना है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी रहेगी। हाँ, आप एक प्रोग्राम है पार्टी का, सिर्फ ही रहेगा, तो इस मैं सभी कार्यकर्ता हिस्सा देंगे आगे। विपक्ष से कहना चाहूँगा कि चुनौतियों भरे साल में हमने जो वादा किया था उसको पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास किया। आप जानते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं, जो अर्थव्यवस्था हमारे पास है, जब से जीएसटी का प्रावधान हुआ है तो केंद्र के स्तर पर करों का संग्रह डायरेक्ट वहाँ किया जाता है, फिर राज्य के हिस्सों को दिया जाता है। मैं विपक्ष से कहूंगा, केंद्र में आपकी सत्ता है और यहाँ के जो 12 सांसद हैं, जो जनता की आवाज़ बन के गए हैं, कि क्या इस कोरोना काल में झारखंड के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं होना था? क्या बिहार में चुनाव है तो माननीय प्रधानमंत्री वहाँ आके कहते हैं कि मेरी सरकार सत्ता में आई तो कोरोना का वैक्सीन हम फ्री में देंगे? क्या झारखंड के लोगों ने मोदी सरकार में योगदान नहीं दिया था? इस तरह का भेदभाव वैश्विक आपदा के समय यदि देश का मुखिया करे तो सवाल उठता है। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि हमने वादा किया था कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे और हम चुनावी साल में नहीं हैं। जो आपने किसानों से कुछ वादा किया था चुनावी साल में आपको याद आया, लेकिन चुनौतियों भरे पहले साल में ही हमने किसानों के साथ न्याय करने का कोशिश किया है ईमानदारी से। ये किसान को हम कभी वोट बैंक नहीं मानते, किसान का बेटा हूँ और आपके आशीर्वाद से मंत्री बना हूँ, उसके दुख दर्द को जानता हूँ, खेती किसानी में मेरा बचपन बीता है। हमने उनसे वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो आपके आंसुओं को पोंछने का काम करेंगे और वो आपको कल दिखेगा कि एक रुपया मात्र एक रुपया लेने ले के 50,000 तक के मैक्सिमम कृषि लोन हम माफ़ करेंगे। इस योजना से 7,83,000 किसानों के कर्जे पूर्णतः माफ़ हो जाएंगे, 1,24,000 किसानों के कर्जे मैक्सिमम 50,000 तक माफ़ होंगे। कुछ एनपीए के खाते हैं जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं कि हम उन किसानों के लिए क्या निर्णय ले सकते हैं। अभी कोई बात बनी नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, आलमगीर आलम साहब से और सब हम लोग के गार्जियन आरपीएन साहब आ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करने, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत होगी। और जो विपक्ष ये कह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो हमारे जीएसटी के बकाए पैसे हैं, जो कोयला का रॉयल्टी का बकाया पैसा है, भाई साहब आप उसे दिला दो ना, वो झारखंड की जनता के पैसे हैं, दिला दो तो हम अपने वादे को फिर अगला साल पूरा कर देंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमने वादा किया, प्रयास तो किया उसको पूरा करने का, आप हमें जो बोल रहे हैं एक नहीं दो दो बार बोल के सत्ता में आ गए, आपकी 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं, खाते में 15 लाख आए क्या? चलनी चला है झजरा को दूसरे, ये नहीं होगा। मेरा एक सवाल है।
नहीं, वही मैंने कहा कि कहीं कहीं पर जो कमी खामी है उसको दूर करेंगे, और दूर करके हम उस व्यवस्था में यदि कहीं पर जनता को परेशानी हो रही है, जो जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम ना आंकड़े छुपाने पर विश्वास करते हैं, ना हम अपनी कोई बात ऐसी कहना चाहते हैं जिस बात से जो है भविष्य में हमारे ऊपर लोग प्रश्न उठाएं। हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं, और हमारी सोच जो है बिल्कुल प्रगतिशील सोच है। समृद्ध झारखंड, उन्नत झारखंड, स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को साकार करेंगे।